हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक वीडियो जो लेके आया हूँ उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि बाल भारती स्टैंडर्ड 5th का चैप्टर नंबर 1, ये है आपके इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक बाल भारती स्टैंडर्ड 5 पार्ट 1 इंग्लिश मीडियम का चैप्टर 1। और यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट अ बर्ड थॉट, एक बर्ड ने क्या सोचा। तो यहाँ पे बर्ड का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि बर्ड ने दुनिया को किस तरीके से देखा, जब वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हिज लाइफ, जो अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस लाइफ के स्टेजेस पे था, उसने वर्ल्ड को किस तरीके से देखा या उसका क्या पर्सपेक्टिव था वर्ल्ड का। लेकिन उसके पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ और इंडियन गवर्नमेंट को, जो एक कॉन्सेप्ट लेके आई जिसका नाम है इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक। इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक क्या होता है? इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक कवर्स ऑल दी सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट एक ही बुक के अंदर में है, लाइक हिंदी सुलभ भारती, आपकी बाल भारती, इंग्लिश, मराठी सुलभ भारती, इन्वायरमेंटल स्टडीज, मैथमेटिक्स, देन आपका साइंस पार्ट है, EVS 1 और EVS 2, और प्ले डू लर्न, ये सारी चीजें उन्हें एक ही बुक में दी हुई है, एक्सेप्ट कंप्यूटर, सारी चीजें इसमें कवर हो जाती है। तो अगर हम बात करें चैप्टर 1 की, तो जो फर्स्ट चैप्टर है व्हाट अ बर्ड थॉट, मतलब बर्ड ने क्या सोचा या एक चिड़िया ने क्या सोचा वर्ल्ड के बारे में। तो उसकी पहली सोच क्या थी, चिड़िया की पहली सोच क्या थी, जब वो था अंडे के अंदर या एग सेल के अंदर था, तब उसकी सोच क्या थी। उसने ये सोचा, आई लिव्ड इन अ लिटिल हाउस, मैं एक छोटे से घर में रहता था, एंड लिव्ड देयर वेरी वेल, वहां पे मैं बहुत अच्छी तरीके से रहता था। द वर्ल्ड टू मी, द होल वर्ल्ड टू मी वाज स्मॉल एंड राउंड, मेरे लिए जो होल वर्ल्ड था एक स्मॉल एंड राउंड चीज थी, दैट्स इट, एंड मेड अप ऑफ पेल ब्लू शेल, मतलब लाइट ब्लू कलर का और वैसे डल ब्लू कलर की शेल ही मेरा पूरा घर था। तो एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि जब अंडे के अंदर था तो उसकी कंडीशन क्या थी, कि एक छोटा सा घर था, वहां पे वो बहुत अच्छी तरह से रहता था, वर्ल्ड उसके लिए जो था एक स्मॉल एंड राउंड चीज थी, दैट्स इट, और वो पेल ब्लू शेल का बना हुआ था। तो अगर आपको ये चारों स्टैंजा याद करना है तो आपको क्या करना है, सिर्फ सोचना है चार कीवर्ड्स के बारे में। कौन से चार कीवर्ड्स है यहाँ पे? पहला कीवर्ड है लिटिल हाउस, सेकेंड है लिव्ड, क्या करता था, रहता था किसके अंदर, लिटिल हाउस के अंदर। वो लिटिल हाउस कैसा था, स्मॉल एंड राउंड था, और वो किस कलर का था, मेड अप ऑफ एक शेल का बना हुआ था, जो कि पेल ब्लू कलर का या डल ब्लू कलर का शेल था, वो शेल के अंदर वो रहता था। सो आई लिव फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस एंड लिव देयर वेरी वेल, द वर्ल्ड टू मी वाज अ स्मॉल एंड राउंड, छोटा एंड राउंड वर्ल्ड था, एंड मेड अप ऑफ पेल ब्लू शेल, मतलब लाइट ब्लू कलर का शेल, जो एग था उसके अंदर वो रहता था, वही उसकी पूरी दुनिया थी। अब इससे आगे बढ़ेंगे, उसकी अगली दुनिया क्या थी। आई लिव नेक्स्ट इन अ लिटिल नेस्ट, कहाँ पर रहना चालू किया उसने, एक लिटिल नेस्ट में, अंडे से बाहर आया तो एक लिटिल नेस्ट में रहना चालू किया, नॉर नीडेड एनी अदर, मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं थी, उतना ही मेरा पूरा वर्ल्ड था, क्या, एक लिटिल नेस्ट। आई थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ, उसने क्या सोचा, जो द होल वर्ल्ड इज मेड ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मतलब छोटे छोटे जो तिनके हैं उनका बना हुआ है, एंड कवर्ड बाय माई मदर, और उसके ऊपर उसकी मम्मी बैठी हुई है, तो मदर से कवर किया हुआ, जो स्ट्रॉ से बना हुआ उनका उसका पूरा वर्ल्ड था, कहाँ पे, लिटिल नेस्ट में। तो उसका नेक्स्ट वर्ल्ड क्या हुआ, पहला वर्ल्ड हुआ उसका एक, सेकेंड वर्ल्ड हुआ उसका लिटिल नेस्ट। आई लिव नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट अगला जो है वो लिटिल नेस्ट में रहना चालू किया, मुझे और किसी चीज की जरूरत थी, नॉर नीडेड एनी अदर, आई थॉट द वर्ल्ड वाज मेड ऑफ स्ट्रॉ, द वर्ल्ड इज मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड कवर्ड बाय माय मदर। सो यहाँ के कीवर्ड क्या हो गए, लिटिल नेस्ट हो गया, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो वो आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, एनी अदर। आई थॉट द वर्ल्ड मेड ऑफ स्ट्रॉ, उसने क्या सोचा, वर्ल्ड इज मेड ऑफ स्ट्रॉ, सो द थर्ड कीवर्ड इज स्ट्रॉ, एंड फोर्थ इज कवर्ड बाय माय मदर, तो माय मदर, तो लिटिल नेस्ट, एनी अदर, स्ट्रॉ एंड मदर। अगर इतनी सारी चीजें कवर कर लोगे तो आपका सेकंड स्टैंजा भी कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट स्टैंजा हमने कंसिडर किया लिटिल हाउस, लिव, स्मॉल एंड राउंड, पेल ब्लू शेल, सेकेंड हमने कंसिडर किया लिटिल नेट नेस्ट, एनी अदर, एंड दैट स्ट्रॉ एंड माई मदर। तो इसमें आपकी 8 लाइन या 2 स्टैंजा सबके कवर हो गए। वन डे आई फ्लटर्ड फ्रॉम द नेस्ट, फ्लटर मतलब उसने पंख फड़फड़ाए और उड़ना चाहा, टू सी व्हाट आई कुड फाउंड, मतलब मैं बाहर क्या ढूंढ सकता हूँ, क्या मुझे मिल सकता है। आई सेड मीन्स उसने खुद को बोला, द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ लीव्स, द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ लीव्स, आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड, मतलब मैं अभी तक इतना अंधा था कि मुझे पता नहीं है कि वर्ल्ड, जो पूरा वर्ल्ड है, किसका बना हुआ है, लीव्स का बना हुआ है। तो कैसे पता चला उसको, वो लिटिल नेस्ट से बाहर निकला और फड़फड़ाया और उड़ने की कोशिश किया, और अपने आप से चीजों को फाइंड करने, टू सी वॉट आई कैन आई कुड फाउंड, मतलब मैं क्या चीजें फाइंड कर सकता हूँ। आई सेड द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ लीव्स, वर्ल्ड किसका बना हुआ है, लीव्स का बना हुआ है, पत्तों का बना हुआ, क्योंकि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाएगा तो उसको पत्ते ही दिख रहे थे, तो मैं इतना अंधा था कि मुझे ये भी नहीं पता है कि वर्ल्ड जो है पत्तों का बना, तो
पहला वर्ल्ड था उसका एक शेल, पेल ब्लू शेल। सेकेंड वर्ल्ड उसका लिटिल मिस, मेड ऑफ स्ट्रॉ, कवर्ड बाय माय मदर। थर्ड उसने सोचा कि जो वर्ल्ड है वो लीव्स का बना हुआ है, क्योंकि एक ट्री से दूसरी ट्री पे वो जा सकता था फ्लटर करके जब वो नेस्ट से बाहर निकला था। एट लास्ट आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री। अगर आपने थर्ड संजय की बात करें तो इसमें आपको क्या किया, उसने फ्लटर किया, तो आपका पहला चीज क्या हो गया, फ्लटर हो गया। फ्लटर मतलब पंख फड़फड़ाना, वो एक कीवर्ड हो गया क्या करने के लिए, टू सी। उसने आजू बाजू में क्या चीजें वो देखने के लिए फ्लटर किया, टू सी। एंड उसको क्या पता चला, जो वर्ल्ड है वर्ल्ड किस चीज का बना हुआ, लीव्स का। तो लीव्स कीवर्ड हो गया। और क्यों वो ऐसा सोचा लीव्स का बना, क्योंकि वो सोच रहा था कि मैं ब्लाइंड हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं, नेस से बाहर मेरी दुनिया ही नहीं। तो अब मैं जब बाहर निकला तो मुझे पता चला कि वर्ल्ड जो है लीव्स का बना हुआ है। तो फ्लटर्ड सी, फ्लटर टू सी समथिंग, एंड देन ही सॉ द लीव्स एंड ही स्टार्टेड थिंकिंग दैट आई वाज वेरी ब्लाइंड, आई वाज ब्लाइंड सो दैट आई कुडंट सी दैट वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ लीव्स, की वर्ल्ड जो है लीव्स का बना हुआ है। तो हमने यहाँ पे अभी तक कौन कौन से कीवर्ड लिए, हमारे कीवर्ड आपको नोट डाउन करते जाना है। आपके कीवर्ड्स क्या क्या हो गए, लिटिल हाउस हो गया, देन आपका कीवर्ड हो गया लिव, देन आपका कीवर्ड हो गया स्मॉल एंड राउंड, एंड पेल ब्लू शेल। दिस इज इन रेफरेंस विद द एग, जब वो एग के अंदर था। सेकंड उसका वर्ड क्या हो गया, लिटिल नेस्ट, देन एनी अदर, देन स्ट्रॉ एंड माय मदर। तो लिटिल नेस्ट जहां पे नेस्ट के अंदर में था वो उसकी दुनिया थी, तो सेकंड फोर कीवर्ड्स हो गए। देन थर्ड फोर्थ की थर्ड जो आपके चार कीवर्ड्स हैं, दैट इज व्हाट्स ए फ्लटर शी सी एंड देन लीव्स एंड ब्लाइंड। एक चार कीवर्ड से आप ये चार लाइन में आप पकड़ सकते हैं। देन फाइनली अब उसका चौथी दुनिया, मतलब अब उसको वर्ल्ड का क्या पर्सपेक्टिव है, या वर्ल्ड का उसके लिए क्या व्यू है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू सोचता है कि वर्ल्ड है नाउ। जब उसमें एक के अंदर था तब उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, जब वो नेस्ट के अंदर था तो क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, जब वो नेस्ट से बाहर आया तो क्या पॉइंट ऑफ व्यू हुआ, और अभी उसके लिए दुनिया का क्या पॉइंट ऑफ व्यू। एट लास्ट आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री, जब वो ट्री से बाहर निकला आसमान में उड़ा, एंड सॉ द स्काई सो ब्लू, जब उसको दिखा कि स्काई तो इतना बड़ा है और सो ब्लू, इतना बड़ा ब्लू स्काई। नाउ हाउ द वर्ल्ड इज रियली मेड आई कैन नॉट टेल, कैन यू। तो जब वो दुनिया पेड़ों से बाहर निकला, बाहर उड़ने लगा, जब उसके पंख इतने मजबूत हो गए, इतने स्ट्रांग हो गए कि वो उसको कोई डर नहीं है कि वो गिर जाएगा, जब उसने पूरी दुनिया में उड़ना चालू किया, तब उसको पता चला कि स्काई, देयर इज अ स्काई, मतलब बहुत बड़ा स्काई है जो कि ब्लू है। और आज उसका ऐसा पर्सपेक्टिव हो गया कि नहीं, वर्ल्ड किस चीज का बना हुआ है वो मुझे पता ही नहीं, क्योंकि जब मैं अंडे के अंदर था तो मैं सोचता था कि अंडा ही मेरा वर्ल्ड है, जब मैं नेस्ट के अंदर था तो मैं सोचता था नेस्ट ही मेरा वर्ल्ड है, जब मैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कुदकना चालू किया तो मुझे लगा वो पेड़ ही मेरा वर्ल्ड है। आज मैं स्काई में उड़ रहा हूँ और मुझे पता ही नहीं कि कितना बड़ा वर्ल्ड है, क्योंकि स्काई है, उसके बाद गैलेक्सीज है, उसके बाद कितना सारा बड़ा, मतलब जिसको हम ब्रह्मांड बोलते हैं, यूनिवर्स है, कितना बड़ा उसको नहीं पता है। तो अगर मैं नहीं बता सकता तो आप बता सकते हो क्या, ऐसा वो आपसे पूछता है। तो सिंपल है, जैसा उसका पर्सपेक्टिव सेम पर्सपेक्टिव हमारा भी, जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारे लिए हमारा घर या हमारे मम्मी पापा हमारा वर्ल्ड थे, जब हम स्कूल जाने लगे तो स्कूल हमारे लिए वर्ल्ड हो गया, जब हम ऑफिस जॉब जाने लगे तो दुनिया हमारे लिए वर्ल्ड हो गया, और जब हम पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में ट्रेवल करने लगे तो पूरा वर्ल्ड हमारे लिए हो गया, और जब हम स्काई में जाने लगे या जब हम रॉकेट्स के थ्रू एस्ट्रोनॉट और बाहर जाने लगे तो हमको लगा कि नहीं यार, यूनिवर्स को तो अभी जानना बहुत कुछ बाकी। सो द मोर यू लर्न, द मोर इज देयर टू लर्न, यू विल अंडरस्टैंड। जितना आप सीखते जाओगे उतना आपको लगेगा कि और भी चीजें सीखने के लिए हैं। सो दिस इज वॉट दिस स्मॉल पोएम इज ऑल अबाउट, ये पोएम आपको इस चीज को बताती है, और आप इसको याद भी कर सकते हो। पोएम इतनी सिंपल है, छोटा सा है, चार कॉन्सेप्ट के साथ में, एक का कॉन्सेप्ट है, लिटिलनेस का कॉन्सेप्ट है, देन व्हाट्स इट ट्रीज का कॉन्सेप्ट है, उसके बाद वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट। इसमें अगर आप करोगे तो पूरा आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाता है। इसके बाद में आपको इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत है, आप आईज क्लोज करो, एक बर्ड के बारे में सोचो। बर्ड है, जो बर्ड पहले क्या कर रहा है, एक सेल के अंदर में है, उसके लिए क्या वर्ल्ड है, एक पेल ब्लू शेल उसका वर्ल्ड है। फिर एक लिटिल नेस्ट में क्या हो रहा है, उसकी मम्मी उसको खाना लाके दे रही है, वो नेस्ट स्ट्रॉ का बना हुआ है, वो उसका वर्ल्ड हो गया। फिर जैसे उसके पंख थोड़े से मजबूत हुए, थोड़े से उसके विंग्स अच्छे हुए, वो उड़ने की कोशिश कर रहा है, तो एक ट्री से दूसरे ट्री पे जाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए वो जो लीव्स है, ट्री के जो लीव्स है वो उसका वर्ल्ड हो गया। और जैसे ही वो खुले आसमान में उड़ने के लिए आया तो पूरा आसमान, पूरी दुनिया भी उसको लग रहा है कि नहीं यार, अभी भी मैंने वर्ल्ड को देखा नहीं है, वर्ल्ड इससे भी बहुत बड़ा है, और वो कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ सच में कितना बड़ा वर्ल्ड है। तो इस तरीके से आपने चैप्टर रेडी कर लिया। अभी आपको रेडी करना है कि इसके क्वेश्चन आंसर्स क्या है। जैसे इसमें दिया है, फाइंड आउट, फाइंड एंड लिस्ट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। सो वेरी सिंपल, व्हाट आर द राइमिंग वर्ड्स, जैसे आपको देखना हो, आई लिव फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस,
एंड लिव देयर वेरी वेल इन द वर्ल्ड टू बी स्मॉल एंड राउंड एंड मेड अप ऑफ प्लेन ब्लू शेल. सो वेरी वेल एंड प्लेन ब्लू शेल बिकम्स योर राइमिंग वर्ड्स. यहाँ पे आपके राइमिंग वर्ड्स हो गए. एंड लिव नेक्स्ट इन अ लिटिल नेस्ट. राइमिंग वर्ड मतलब जो एक दूसरे से राइम करे, मतलब दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन हो और मे बी सेम लेटर से एंड होते, लाइक वेरी वेल एंड प्लेन ब्लू शेल. ओके. आई लिव नेक्स्ट इन अ लिटिल नेस्ट नॉर नीडेड एनी अदर. I thought the world was made up of straw and covered by my mother. So any other and my mother is another, let's say, rhyming words here. One day I fluttered from the nest to see what I could find. I said the world is made up of leaves. I have been very blind. So find and blind is another pair of rhyming words. Next, at last I flew beyond the tree. My tree se bahar nikla and saw the sky so blue. Now how the world is really made, I cannot tell. Can you? So blue and you becomes the rhyming words. लर्न एंड रिसाइट द पोएम दैट वी ऑलरेडी डिड. हमने ऑलरेडी किया हुआ है, लर्न किया, रिसाइट किया. चार स्टेंजा है, चार स्टेंजा में चार कॉन्सेप्ट, सिर्फ चार कॉन्सेप्ट, मतलब एक का कॉन्सेप्ट, लिटिलनेस का कॉन्सेप्ट, ट्री का कॉन्सेप्ट एंड यूनिवर्स और वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट. हमने उससे पूरा पोएम को लर्न कर लिया और याद उसको याद कर सकते हैं या रिसाइट कर सकते हैं. डिस्क्राइब द फॉलोइंग इन वन और टू लाइन्स. द फर्स्ट लिटिल हाउस ऑफ द बर्ड. सो द फर्स्ट लिटिल हाउस ऑफ द वर्ड इज पेल ब्लू शेल, दैट इज एग. हाउ इट इज स्मॉल एंड राउंड. तो उसके आपके आपको एडजेक्टिव या उसके कैरेक्टरिस्टिक बताना है. तो कैसा है, उसके अंदर में वो बहुत अच्छे तरीके से रह सकते हैं, छोटा सा वर्ल्ड है. कैसा है, स्मॉल है, राउंड है एंड इट्स मेड अप ऑफ पेल ब्लू शेल. तो इतनी चीजों से दो में आपको सिर्फ दो टू वन और टू लाइन से बताना, दो लाइन से आपकी क्लियर हो गई. द नेस्ट, नेस्ट को कैसे डिस्क्राइब कर रहा है. नेस्ट ऐसी चीज है, छोटा सा नेस्ट है जिसके अंदर वो ऐसा उसको लगता है कि इसके अलावा मुझे आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स. तो ये मेरे लिए है और दैट यही चीज मेरे लिए है. और वो कैसा बना हुआ है, वो मेड ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ का बना हुआ. और किसने कवर कर रखा है उस नेस्ट को, उसकी मदर ने. तो दैट नेस्ट इज नॉट दैट बिग, द मदर कैन कवर दैट नेस्ट. इफ एनी थिंग कम्स टू अटैक द मदर इज देयर दैट शी कैन कवर द होल नेस्ट. सो नेस्ट कैसा है, मेड ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ का बना हुआ है. इट इज सो स्मॉल दैट द मदर ओनली कैन कवर इट. द वर्ल्ड अराउंड द बर्ड्स, बर्ड्स नेस्ट, बर्ड के नेस्ट के अराउंड जो वर्ल्ड है वो कैसा है. बर्ड के नेस्ट के अराउंड वर्ल्ड अगर आप देखो तो एक तो वो उसकी मदर ने कवर किया वो वर्ल्ड हो सकता है, या तो दूसरा उसने जैसे फ्लटर करना चालू किया, फुदकना चालू किया तो लीव्स उसके लिए हो गया. या फिर आप उसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि जब वो लीव से बाहर निकला, जब वो ट्री से बाहर निकला, जब वो ऊपर उड़ने लगा तो स्काई उसके लिए हो गया. लेकिन अगर सिर्फ नेस्ट की बात की जा रही है तो आप ट्रीज, लीव्स और माई मदर पे भी बता सकते हैं इतनी ही चीजें, क्योंकि तब तक तो ट्री से बाहर नहीं निकल पाया था या वो अपने नेस्ट से बाहर नहीं निकल पाया. इमेजिन द फॉलोइंग एंड राइट अबाउट ईच एंड योर ओन वर्ड्स. अपने वर्ड्स में, सबके अपने वर्ड्स होते हैं. व्हाट द वर्ल्ड लुक्स लाइक टू अ बेबी. एक बेबी के लिए वर्ल्ड क्या लुक लाइक होता है, जैसे हमने डिस्कस किया, एक छोटे बेबी के लिए उसके मम्मी पापा, उसका घर, या वो अगर कोई वैसे छोटा सा बाइसाइकिल या कुछ स्टैंड लेकर चलना कोशिश कर रहा है तो वही उसके लिए वर्ल्ड है. या छोटे छोटे जो उसके आसपास में टॉयज हैं वही उसके लिए वर्ल्ड है. या उसकी मम्मा, सबसे पहला वर्ड तो उसकी मम्मा ही होती है या उसकी मम्मी होती है, उसके बाद मदर फादर, फिर उसके घर के अराउंड जो भी चीजें हैं जहाँ पे वो खेल रहा है, कूद रहा है, चढ़ने की खड़े रहने की कोशिश कर रहा है, वो उसके लिए वर्ड हो गया. दैट यू कैन हैव डन दैट. हाउ ही इज स्टैंडिंग अप यूजिंग वन व्हाट से सपोर्ट और मदर फादर एंड द हाउस और द टॉयज विल बी द वर्ल्ड फॉर दैट बॉय. व्हाट द वर्ल्ड लुक्स लाइक टू अ फिश. अ फिश क्या वर्ल्ड हो सकता है एक फिश के लिए. आईज क्लोज करो, एक फिश के बारे में सोचो. फिश कहाँ पे मिलेगी आपको, ओशन में होगी या रिवर में होगी या पॉन्ड में होगी. वो फिश क्या करती है, फिश को वहां पे एक छोटी फिश होगी, एक बड़ी फिश होगी, हो सकता है वहां पे वाटर के स्नेक हो या क्रोकोडाइल हो, वो उसका वर्ल्ड हो सकता है. उससे उसको बचना है, भागना है. फिर वहां पे प्लांटन है, मतलब जो पानी के अंदर में ट्रीज है, छोटे छोटे जो ट्रीज होते हैं वो उसका वर्ल्ड हो सकता है, या उसकी खुद की फैमिली उसका वर्ल्ड हो सकता है. तो फिश के बारे में आप एक तीन चार पॉइंट्स में उसको एलेबोरेट कर सकते हो. तो इट्स अ वेरी सिंपल चैप्टर, व्हाट अ बर्ड थॉट. इट कुड बी योर पर्सपेक्टिव और कुड बी बर्ड वर्ल्ड बर्ड पर्सपेक्टिव. दोनों चीजों को आप कंबाइन करके, चीजों को लर्न करके आप एक पूरा चैप्टर रेडी कर सकते हो. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. फिर मैं अभी और एक नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊंगा, हो सकता है इंग्लिश का हो या मैथ्स का हो या ईवीएस का हो या हिंदी का हो या मराठी का हो, किसी का भी एक चैप्टर हो सकता है. सो आई यू कैन लर्न इन सच व्हाट्स ए ईजियर वे, यू कैन रिमेंबर इट. मैंने वहां पे आपको जो बताया, आप अगर देखोगे तो मैंने आपको सिर्फ कीवर्ड्स बताए. कौन कौन से कीवर्ड्स बताए, सबसे पहले मैंने जो आपको कीवर्ड बताया
एक लिटिल हाउस के बारे में बताया, फिर मैंने आपको बताया कि वो कैसे उसके अंदर वेरी वेल तरीके से रहता था, मतलब लीड करता था। उसके बाद वो एक स्मॉल एंड ब्राउन चीज है और वो है पेल ब्लू शेप, इट इज द एग, वी आर डिस्क्राइबिंग द एग इन सच अ मैनर। वो छोटा जो उसका वर्ड था, तो चार कीवर्ड। सेकंड कीवर्ड उसका लिटिल नेस्ट है, तो लिटिल नेस्ट को कैसे डिस्क्राइब किया कि उसको किसी और चीज की जरूरत नहीं है, वो स्ट्रॉ का बना हुआ है और मदर को, उसकी मदर ने उसको कवर कर रखा है, ये सेकंड चार कीवर्ड हो गए। देन थर्ड स्टैंजा में दिया है कि वो फ्लटर कर रहा है, फ्लटर कर रहा है किस लिए, सो दैट वो अपने अराउंड में चीजें देख सके। तो सी फ्लटर सी एंड उसको क्या लग रहा है, द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स, वर्ल्ड किसका बना हुआ है, लीव्स का, तो लीव्स थर्ड कीवर्ड हो गया। और वो क्या था, वो ब्लाइंड था, तो चीजों को देख नहीं पाता था। तो फ्लटर सी और व्हाट से लीव्स एंड ब्लाइंड आपके कीवर्ड्स हो गए यहाँ पे। और फाइनल आपका कीवर्ड्स क्या हो गया, फ्ली बियॉन्ड द ट्री, वो ट्री के बियॉन्ड गया, मतलब ट्री आपका कीवर्ड हो गया जिसके बियॉन्ड हो जा रहा है। फिर उसने क्या देखा, स्काई देखा, स्काई कैसा है, ब्लू कलर का, तो स्काई आपका कीवर्ड हो गया। नेक्स्ट उसको लगा कि द वर्ल्ड इज रियली मेड अप, नाउ हाउ द वर्ल्ड इज रियली मेड, मतलब इतना बड़ा उसको वर्ल्ड, तो वर्ल्ड के बारे में सोचना है और आपको देखना है कि नहीं, मैं उसको खुद अकेले डिस्क्राइब नहीं कर सकता। तो आप आईज क्लोज करो, आपको वर्ल्ड में सारी चीजें दिखेंगी, अर्थ दिखेगा, फिर आपको एटमोसफेयर दिखेगा, फिर आपको उसके बाद क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम दिखेगा, यूनिवर्स दिखेगा, गैलेक्सीज दिखेगी। तो वो आपके लिए वो ऐसा वर्ल्ड है कि जिसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। इस तरीके से सिर्फ 16 कीवर्ड से आपका चार के चार स्टैंजा और पूरा चैप्टर आपका रेडी हो जाएगा। इवन आप वो पोएम को भी याद करके रिसाइट कर सकते हो। तो प्लीज ट्राई, प्लीज लर्न दिस चैप्टर और आप आराम से इसको लर्न करके आपको कुछ मेथड फॉलो करोगे तो आपको हमेशा याद भी रहेगा। वो मेथड को क्या बोलते हैं, द मेथड इज कॉल्ड व्हाट से पार्सा, PARSA। सो व्हाट इज पी स्टैंड्स फॉर, पी स्टैंड्स फॉर प्रीव्यू, प्रीव्यू प्रीव्यू मतलब कोई भी चीज को सिर्फ एक बार आप देखो। जैसे अभी हमने एक चैप्टर को कैसे देखा, इसमें आप देखो लिटिल हाउस दिख रहा है, वेरी वेल दिख रहा है, स्मॉल राउंड पेल ब्लू शेल लिटिल नेस्ट नीडेड मेड ऑफ स्ट्रा माय मदर फ्लटर्ड फाइंड लीव्स ब्लाइंड ट्री ब्लू वर्ल्ड एंड कैन नॉट टेल। सो अगर आप इसको एक सरसरी नजर जिसको बोलते हैं, या अपन बोलते हैं उसको कि स्किमिंग करते हैं, स्किमिंग मतलब आपको जस्ट आपका फिंगर्स पूरा चैप्टर पे आपको एक बार का मूव करना है, लाइक आप स्किमिंग करते हो, जैसे आप मिल्क होते हो, मिल्क की मलाई आप कैसे निकाल लेते हो, उस तरीके से आप स्किमिंग करते हो, मतलब आपने उसकी पूरी मलाई निकाल ली और आपने उसको समझ लिया। तो दैट्स कॉल्ड प्रीव्यू। आफ्टर प्रीव्यू अगेन यू हैव टू व्हाट से अटेंड दैट, अटेंड दैट मींस लाइक यू फॉर प्रीव्यू वुड हैव गिवन द होल चैप्टर वुड हैव गिवन 10 सेकंड्स, अटेंड करने के लिए आपको 20 सेकंड्स देना, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, वापस से थोड़ा सा, मतलब अगर आपने उसको एक सरसरी नजर से देखा तो थोड़ा सा और डिटेल में आपको देखना है और आपको कुछ समझना है कि मैंने क्या पढ़ा होगा। अभी भी मैं आपको पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पूरा चैप्टर क्या पढ़ा होगा आपको अटेंड करना है। तो उसको 20 सेकंड्स, पहले 10 सेकंड्स में पूरा एक छोटा सा चैप्टर आप सरसरी नजर से देख लो, फिर 20 सेकंड्स में उसको वापस देखो, फिर द फर्स्ट स्टेप आई टोल्ड यू प्रीव्यू, सेकंड स्टेप आई टोल्ड यू अटेंड, सेकंड स्टेप मैंने आपको बोला कि आपको अटेंड करना, थर्ड से इज PAR रिव्यू, रिव्यू मीन्स यू हैव गिवन 10 सेकंड्स 20 सेकंड, नाउ गिव 30 सेकंड्स टू दैट चैप्टर। तो अभी तक आपने पूरा कितना दिया, 1 मिनट के अंदर आपने उसको 3 बार देख लिया, मतलब आपने 3 बार उसको रिवाइज कर लिया। तो रिव्यू में आपको क्या करना है, जो चीजें आपको ऐसा लगा कि नहीं यार, जो आपने फर्स्ट बार प्रीव्यू किया था, जो सेकंड टाइम आपने उसको अटेंड किया, थर्ड टाइम जब आप रिव्यू करोगे तो हाँ यार ये भी हो सकता है, या ये भी चीज हो सकती है, या ये मैंने मिस कर दिया, तो आप रिव्यू करो। तो रिव्यू करने के लिए क्या ऑप्शन है, आप पहले आईज क्लोज करो, सारी चीजों को सोचो कि हाँ ये चीज हो सकती है, फिर आपको उसको पूरे चैप्टर को वापस 20-30 सेकंड्स तक देख लो, तो आपको लगेगा कि हाँ ये मेरा मिस हो गया, ये मेरा नहीं मिस हो। दिस इज अ मेथड कॉल्ड एक्टिव रिकॉल, मतलब आप उसको आईज क्लोज करके रिकॉल करने की कोशिश करो, जो भी चीज आपने लर्न की है उसको आप रिकॉल करने की कोशिश करो। आफ्टर डूइंग दिस PAR प्रीव्यू अटेंड एंड रिव्यू, देन यू हैव टू रीड दैट चैप्टर और यू हैव टू स्टडी दैट चैप्टर प्रॉपरली। हाउ यू गोइंग टू स्टडी, वर्ड बाय वर्ड एक एक चीज आप पढ़ोगे थोड़ा डिटेल देके, और ये पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए, मतलब सिर्फ इसमें 16 लाइन्स है, 16 लाइन्स पढ़ने के लिए यू शुड गिव 5 to 10 मिनट्स मैक्सिमम। अगर ये पूरा चैप्टर समझो एक 30 लाइन्स या 40 लाइन्स या मे बी 100 लाइन्स का है, तो वहां पे आपको 30 मिनट देना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ 16 लाइन्स का, तो आपको 5 मिनट में पूरा चैप्टर आराम से पढ़ लेना चाहिए। तो अभी आपने क्या किया, एक ही चीज का 4 बार आपने रिविजन कर दिया, 4 बार रिविजन करने से क्या हो जाएगा कि वो चीज आपकी यहाँ पे स्ट्रांग हो जाएगी, आप वो चीज आराम से आप याद करके उसको रिकॉल कर सकते हो। अभी ये करने के बाद आपको क्या करना है, आपने जब उसको स्टडी कर लिया, देन फाइनल फाइनल इज योर अगेन व्हाट से एसेस, एसेस मींस अगेन क्लोज योर आइज एंड ट्राई टू रिकॉल ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड डोंट लुक एट द बुक, बुक पे आप देखो मत, सिर्फ उसको रिकॉल करो, और रिकॉल करने के बाद अपने खुद के नोट्स बनाओ। तो खुद के नोट्स में आप क्या क्या डाल सकते हो, जैसे आपने देखा लिटिल हाउस, देखा लिटिल हाउस, उसको ऐसा लगता है कि यही मेरा वर्ल्ड है, तो उसने क्या सोचा कि यहाँ पे मैं बहुत अच्छी तरीके से रह रहा हूँ, फिर
उसने उसको क्या डिस्क्राइब किया, इज अ स्मॉल एंड ब्राउन वर्ल्ड, और किस तरीके से दिखता है, पेल ब्लू शेल जैसा दिखता है। फिर वो किस में जाता है, लिटिल नेस्ट में जाता है। लिटिल नेस्ट को ऐसा उसको लगता है कि लिटिल नेस्ट ही सब कुछ है, इसके अलावा मेरा कुछ नहीं। लिटिल नेस्ट किसका बना हुआ है, स्ट्रॉ का बना हुआ है, और उस किससे कवर किया हुआ है, तो उसकी मदर ने पूरा लिटिल नेस्ट को कवर किया हुआ है। तो ये सारे नोट्स आपको बनाने हैं, जो कीवर्ड्स थे इसका नोट्स आपको बनाने हैं। फर्स्ट संज्ञा इज टॉकिंग अबाउट एग, सेकंड संज्ञा टॉकिंग अबाउट लिटिल नेस्ट, थर्ड संज्ञा टॉकिंग अबाउट व्हाट से लीव्स कमिंग आउट ऑफ फ्लटर्ड सी, एंड देन लीव्स ट्रीज को देखता है, और ट्रीज को देखने के बाद उसको लगता है कि मैं कितना ब्लाइंड था। उसके बाद फिर वो क्या करता है कि वो जाता है ट्री के बाहर, ट्री से ऊपर उठता है। ट्री से ऊपर उठने के बाद जब वो स्काई में जाता है, खुले आसमान में जाता है, तो उसको स्काई बहुत बड़ा लगता है, और उसको लगता है कि हाँ मैंने तो वर्ल्ड कुछ भी देखा नहीं, और मैं तो बता ही नहीं सकता वर्ल्ड के बारे में, कैन आप बता सकते हो क्या। इस तरीके से उसने पूरे वर्ल्ड को जो देखा है, तो चार पॉइंट में, चार सिर्फ पॉइंट में, एक 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 लिटिलनेस, एक ट्री और एक यूनिवर्स, इसमें आप चार पॉइंट में अपना नोट्स बना लो, और वही नोट्स आपको अभी आगे रिफर करना। आपको पूरी बुक वापस से पढ़ने की या पूरा चैप्टर वापस पढ़ने की जरूरत नहीं। अब आपने जो इसको पढ़ लिया, पूरा चैप्टर जो पढ़ लिया, इसके बाद ये जैसे आपने फॉलो किया, पार्स प्रीव्यू अटेंड देन व्हाट से रिव्यू स्टडी एंड एसेस, आफ्टर डूइंग दिस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू स्पेस रिपीटेशन। स्पेस द वर्ड ओनली सेज दैट स्पेस मींस यू हैव टू रीड इट टाइम एंड अगेन। कैसे पढ़ना है आपको, आपका जो ब्रेन होता है, आपका जो ब्रेन होता है, वो ब्रेन कोई भी चीज को 24 आवर्स से ज्यादा क्या करते हैं, होल्ड नहीं कर सकता। आपका रिकॉलिंग पावर धीरे 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 कम होते जाता है। तो विद इन 24 आवर्स अगेन आपको नोट्स को रिफर कर लेना है। वो 24 आवर्स रिफर करने के बाद आप उसको वापस कोशिश करो कि नेक्स्ट 24 आवर्स में वापस उस नोट्स को रिफर करो, पूरी बुक को मत पढ़ो, सिर्फ वो नोट्स को रिफर करो। फिर वापस एक बार कोशिश करो कि अगेन 24 आवर्स में अगेन वो नोट्स को रिफर करो। तो क्या होगा, जितनी बार आप रिव्यू करोगे उतने बार वो आपके ब्रेन में पक्का होते जाएगा, वो इतना पक्का हो जाएगा कि फिर आपको उसको बाद में एग्जाम के टाइम पे सिर्फ अगर नोट्स भी रिफर करोगे तो भी सारी चीजें आपको रिकॉल हो जाएंगी और आप उसको लिख पाओगे। तो आपको वापस से क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है, उसको वापस से पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो पूरा चैप्टर आपका ईजी हो जाएगा और आपका आपको ये चैप्टर हमेशा याद रहेगा। तो वी डिस्कस्ड पार्सा दैट इज प्रीव्यू, देन व्हाट से अटेंड रिव्यू स्टडी एंड एसेस, एंड वी डिस्कस स्पेस रिपीटेशन। स्पेस रिपीटेशन एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, आपको कोई भी चीज को एक एक घंटे के बाद रिव्यू करना चाहिए, एक दिन के बाद रिव्यू करना चाहिए, एक हफ्ते के बाद, और 15 दिन के बाद, और महीने के बाद। अगर इतना आपने उसको 5 बार रिव्यू किया है तो आपके ब्रेन में वो चीज पक्का हो जाएगा, वो इतना मतलब रिकॉल दैट विल बिकम अ सीमेंटेड थिंग, दैट विल बिकम सो व्हाट से पक्का दैट यू मे नॉट हैव टू रिकॉल इट टाइम एंड अगेन। आप जब भी रिकॉल करना, यू मे नॉट हैव टू रीड इट टाइम एंड अगेन, द रिकॉल विल बिकम ऑटोमेटिक फॉर दैट। तो आपका वो रिकॉल अच्छा हो जाएगा और रिकॉल आप हमेशा कर पाओगे। तो प्लीज ट्राई दैट, प्लीज ट्राई लर्निंग थ्रू ओनली टू मेथड, पार्सा एंड स्पेस रिपीटेशन। देर आर मोर मेथड्स, और भी मेथड्स हैं जो अपन डिस्कस करेंगे, राइट नाउ विल गो विथ दीज मेनी मेथड्स ओनली, एंड विल लर्न फॉर द चैप्टर्स ऑल्सो विथ दीज पार्सा एंड स्पेस रिपीटेशन। और भी टेक्निक्स मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज रीड द वे आई टोल्ड यू एंड कीप लर्निंग एंड कीप